मुकेश पहलवान नंबर वन पे था, नंबर वन पे है और नंबर वन पे रहेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैंने लोगों को, मैंने टिकट आरतियों को भी ये कर रखी है, जो लोग ये कहते हैं ना ध्वस्त कर देंगे, वो एक क्षेत्र के इतनी सी जगह के लीडर हैं, वो इतनी सी जगह के, लेकिन जो मुकेश पहलवान है ये एक एक घर में अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। जो लोग बार बार एक बात कहते हैं कि आप सब लोग देख लेना कि हमारे सामने नेता ना टिक पाएगा, हम भी वक्त आने दो, भारतीय जनता पार्टी की टिकट होगी तो कांग्रेस का कोई नेता मुकेश पहलवान के सामने टिक भी नहीं। मैं पिछले 10 साल से इस विधानसभा में लगा हुआ हूँ, मैं अपने निजी कोष से भी बहुत खर्चा कर चुका हूँ, अगर जो मेरी काम करने की इच्छा होगी जब भी खर्च कर रहा हूँ ना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आदमी के पास जब किसी ओहदे पे चला जाता है तो उसका काम करने का और धैर्य बढ़ जाता है, और काम करने का मन में संकल्प हो जाता है कि यार मैं अपने परिवार के लिए और ज़्यादा काम करूँ। तो मेरे मन में एक इच्छा है, मैं अभी एक नया वो चला रहा हूँ डोर टू डोर पे, जिस गली का जो भी कार्य है उसके बारे में मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। नव समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुड़गांव विधानसभा में सभी राजनीतिक लोगों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, उसी बीच मुकेश पहलवान के कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम सफल नजर आ रहे हैं। जनता मुकेश पहलवान को भरपूर आशीर्वाद दे रही है और उनके साथ हर कदम पर खड़ी हो रही है। टिकट के दिन जितने ही नजदीक आ रहे हैं उतना ही मुकेश पहलवान को जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। मुकेश पहलवान के साथ ये वो लोग जुड़े हैं जो 5-5 घंटे तक पैदल यात्रा करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन रात में 10 बजे तक मुकेश पहलवान को सुनने के लिए बैठे रहते हैं। आपको बता दें कि श्याम भक्त भी इस बार मुकेश पहलवान को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता का कहना है कि प्रदेश में अगर कोई श्याम भक्त है तो वो मुकेश पहलवान है और उनको टिकट मिलनी ही चाहिए। जनता का कहना है कि टिकट 100% मुकेश पहलवान की है और अगर टिकट नहीं भी मिली तो हम सब मुकेश पहलवान के चेहरे के साथ खड़े रहेंगे। जनता ने कहा कि 1 अक्टूबर को हम सब अपनी कीमती वोट देकर 4 अक्टूबर को मुकेश पहलवान को चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, जिससे हमारे मूलभूत सुविधाओं को मुकेश पहलवान पूरा कर सके। अब आगे देखते हैं कि मुकेश पहलवान ने जनता को संबोधित करते हुए क्या। अशोक विहार फेज 1 फेज 2 भिंगड़ खेड़ी, आप सबने राजनीतिक इतिहास में एक अपना स्थान, एक इतिहास रच दी कि 4 घंटे का डोर टू डोर जो कार्यक्रम वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। मैं आप सबका, पूरे अशोक विहार फेज 1 का, फेज 2 का और भीमगढ़ खेड़ी का, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका आभारी रहूंगा पूरी जिंदगी। जैसा मेरी पूरी टीम ने आपके श्री चरणों में मस्तक अपना टेका है, मैं भी आपके श्री चरणों में अपना मस्तक टेक रहा हूं, आप सबको जय श्री शाह कर रहा हूं। वास्तव में ही हम सब लोगों के लिए, हमें लगे कि हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते, हम सब लोग एक परिवार का पार्ट है, तो हम सब लोगों के लिए ये चुनाव भी एक बहुत बड़ा मान सम्मान की बात है अब की बार। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर हमारे साथ जो देश का चौथा सितम बोला जाता है, मीडिया के पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, छायाकार बंधु भी आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया भी आई हुई है, आप सबका भी यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अब की बार जो दौड़ है, उस दौड़ के कारण हम सब लोग जो आपने 10 साल मेहनत की, उस 10 साल में आप जितनी मेहनत कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो सिर्फ इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी श्याम प्रेमी मेहनत कर सकते हैं। और वास्तव में ही अब की बार हमें लगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमारा 2 दिन से एक ही विषय चल रहा है, हरियाणा पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बैठी है, मुझे यकीन है कि जो आपने यहां से लिख के दिया होगा सर्वे रिपोर्टिंग पे, उसमें मेरा पहले नंबर पे नाम है। किसी के दिल में हो ना हो, मैं उनकी भावनाओं को जानता नहीं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं कि सर्वे करने वाले जब अशोक विहार 1-2 में आए होंगे और वो भीमगढ़ खेड़ी में आए होंगे और गुड़गांव के किसी पार्ट में भी आए होंगे, तो सर्वे रिपोर्टिंग हमारी सबसे अव्वल नंबर पे गई होगी, हमारा वादा है आप सब लोगों से।
क्योंकि आपका प्यार स्नेह प्रेम इतना है, उसके कारण ही हम सब लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वास्तव में सर्वे हमारा सबसे टॉप होगा। रही टिकट की बात, हमारी पूरी हमने अपने पूरे नेतृत्व का फोटो लगा रखा है अपने इश्तिहार में, और हमें विश्वास है कि संघर्ष के कारण अगर जो टिकट होगी और मेहनत के कारण टिकट होगी तो इस श्याम प्रेमी इस बच्चे की आपकी आपके बेटे की टिकट कभी नहीं कट सकती, हमें विश्वास है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। क्योंकि बाबा के जब मकसद माथा टेका तो यही विश्वास था कि बाबा श्याम तेरे सहारे से और तेरे आशीर्वाद से, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 तारीख को हमें टिकट मिली तो गुड़गांव में कमल का फूल 100% खिलेगा। तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और बाबा श्याम के प्रेमी ऐसे ही 1 तारीख तक मेहनत करते रहेंगे हम सब लोग। इस विश्वास के साथ बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं, भाई साहब क्या रहा? मैंने कहा जिस दिन मेरा चुनाव देखना हो उस दिन एक दिन फील्ड में आके देखना कि 4-4 घंटे जब माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी 4 घंटे सब लोग, 92 साल की उम्र है मेरे अंकल की, 92 साल 95 साल, और मेरी माताएं बहनें बैठी है सामने, एक एक घर में होके आई है, तो विश्वास करना ऐसा संगठन ऐसा प्यार ऐसा जज्बा किसी भी नेता के साथ नहीं है। और ये तो एक छोटे हमारे जो विधानसभा का 400 कुछ बूथ है, ये तो चंद 30-40 बूथों की एवरेज है, 441 बूथों की जब एवरेज आएगी, मैं हक से बोलता हूं उस दिन तो रेजर वैली पार्क का जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ जाएगा आपके आशीर्वाद से। क्योंकि हमारा माहौल ये है, हम रोज प्रतिदिन, अब की बार एक अलग से लगन है, वो लगन क्या है, पहली दफा जो 2 लाख श्याम प्रेमी है माताएं बहने उन्होंने मन में एक संकल्प ले लिया, अब की बार जिस मंदिर में जाता हूं जिस कीर्तन में जाता हूं वहां सबसे पहले एक ही बात सुनने को मिलती है कि बेटा चिंता मत करना, बाबा का आशीर्वाद भी है और 80% से भी ज्यादा 100% माताओं बहनों का आशीर्वाद भी मेरे साथ। इसीलिए मैं बार बार सबसे कहता हूं, युवा साथियों जो आपका जोश है और जो कार्य आप सब लोग करते हो, वास्तव में वो कार्य बहुत, जो भी कार्य आप करते हो वो काबिल के उसकी कितनी प्रशंसा करूं वही थोड़ी है। और ये प्रोग्राम मेरा बनाया हुआ नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों का बनाया हुआ था, मेरी टीम का बनाया हुआ था, और उनने जो रूपरेखा बनाई उस रूपरेखा के कारण ही ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और इतना अच्छा हुआ कि इतिहास बना गया कुछ ही दिनों में, 4 घंटे में ये प्रोग्राम इतिहास बना गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, हमें विश्वास था कि हमारी टीम जो भी कोई कार्य करेगी वो मन के साथ करती है, और जो कार्य मन के साथ करते हैं वो कार्य अद्भुत कार्य होता है। इसीलिए पूरी टीम ने पहले आपका आशीर्वाद लिया, क्योंकि टीम का साथ किसने दिया, दोनों हाथ उठाए सबके सब पंडाल में, कैमरामैन होंगे भैया घुमा दे एक बार, किसने दिया पूरी टीम का साथ, पूरी टीम का साथ, सारा के सारा टीम का साथ। मेरा बनाया हुआ नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों का बनाया हुआ था, मेरी टीम का बनाया हुआ था, और उनने जो रूपरेखा बनाई उस रूपरेखा के कारण ही ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और इतना अच्छा हुआ कि इतिहास बना गया कुछ ही दिनों में, 4 घंटे में ये प्रोग्राम इतिहास बना गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, हमें विश्वास था कि हमारी टीम जो भी कोई कार्य करेगी वो मन के साथ करती है, और जो कार्य मन के साथ करते हैं वो कार्य अद्भुत कार्य होता है। इसीलिए पूरी टीम ने पहले आपका आशीर्वाद लिया, क्योंकि टीम का साथ किसने दिया, दोनों हाथ उठाए सबके सब पंडाल में, कैमरामैन होंगे भैया घुमा दे एक बार, किसने दिया पूरी टीम का साथ, पूरी टीम का साथ, सारा के सारे टीम का साथ, हमारी माताओं बहनों ने बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, और युवा साथी है जितने भी युवा साथी है वो सबके सब कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम में चले हुए थे। और इसी विश्वास के साथ
मन में एक भावना रखना, बस जो मेरा निजी संकल्प है वो सिर्फ आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। और वो सबसे पहले एक ही संकल्प है कि 900 मीटर से हम मुक्त हो जाए और पीजीआई आ जाए गुड़गांव के अंदर। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए पीजीआई? दोनों हाथ उठा के कहे बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल है, आर्टिमिक्स है, फोर्टीज है, लेकिन मैं हक से कह सकता हूं जिस दिन यहां पर पीजीआई बन गया मुफ्त में इलाज होगा और हमें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं होगी। और हक से कहेंगे कि जो निर्णय मैंने लिया था, जो संकल्प मेरा था वो पूरा किया, तो माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने पूरा किया वो। और दूसरा, जो दूसरा हमारा विजन है, वो विजन आप सब लोग जानते हो कि हमारे बच्चे भी कॉमनवेल्थ एशियाड ओलंपिक में खेले। और ये हमारी सबकी सोच है, जो आज अभी देख लो सेक्टर 5 के ग्राउंड में सर्कस लगी हुई है, कुछ दिनों बाद तिब्बत का मेला लग जाएगा। मैं विश्वास के साथ, कल भी मैं भीमगढ़ खेड़ी में कह के आया हूँ, माताएं मैंने हमारी बैठी है भीमगढ़ खेड़ी से, मैं कल भी इसी विषय पे बोल के आया हूँ कि जिस दिन गुड़गांव के अंदर इंडोर स्टेडियम बन गया उस दिन हमारे बच्चों का भी एशियाड ओलंपिक में से मेडल आना शुरू हो जाएगा। चाहते हो ना बने, स्टेडियम बनना चाहते हो ना? इसी आवाज के साथ। और तीसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है गुड़गांव का बस स्टैंड। हमारा बस स्टैंड जिस दिन बन गया वो इतना हाईटेक होना चाहिए कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत और कोई भी जिला ऐसा ना होगा जिसके नागरिक गुड़गांव में ना रहते हो। और जिस दिन हमारा बस अड्डा अच्छा बन गया उस दिन हम अक्से कहेंगे आना गुड़गांव, और गुड़गांव के बस स्टैंड पे आना और वहां उतरना और माँ शीतला के दर्शन करना। और जैसे आओगे इसी भाव के साथ आपका सम्मान करेंगे और आपकी विदाई भी उसी सम्मान के साथ करेंगे। इस माँ शीतला की नगरी में जो आएगा वो पावन उसको लगना चाहिए कि वास्तव में ही गुड़गांव में उतरे, गुड़गांव में सुविधा मिली और वो कोई कार्य कर सकता है तो वो आपका भाई आपका बेटा ही कर सकता है। इसीलिए कल मैं जब गया भीमगढ़ खेड़ी में तो मैंने वादा किया माताओं बहनों को कि आप ये चीजें जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, बिजली पानी रोड शिविर, ये व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़ दो। आज 2 गाड़ियां हैं, विधायक आपने बना दिया, उसी दिन शिविर की चाहे 20 गाड़ियां बनानी पड़ो आप फोन करोगे गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी होगी। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम सब लोग चलने वाले हैं। और जो स्ट्रीट लाइट हम बार बार आपसे बोलते हैं कि वो कारण कि हम भी चाहते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट आपके यहां लगवाएं वो रोशनी दे आपके यहां और वास्तव में अच्छा लगे हम सब लोगों को। हमें पानी की वजह से जो जो लाइटें लगाई वो तुरंत, क्योंकि हमने वो सोचा था कि वो लाइट अच्छी वाली लगाएं लेकिन उसमें पानी का पता नहीं था कि इनमें पानी आ जाएगा, किसी तरीके से परेशानी हो जाएगी। अब हम सभी लाइटों को ठीक करा रहे हैं और उनके बदले में दूसरी लाइट साथ के साथ लगवाने लग रहे हैं हर पोल के ऊपर। इसीलिए गुड़गांव बिल्कुल प्रकाश के साथ रहना चाहिए। और आप सब लोग सिर्फ मात्र आपने 10 साल कष्ट का देख लिया, अभी तक गुड़गांव बिल्कुल कूड़े में तब्दील हो रहा था और आज के बाद जब 1 तारीख को और 4 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उस दिन से गुड़गांव में अलग लहर होगी, एक अलग विषय होगा। और ना मैं आपके बीच में व्यापार करने के लिए आया हूं, और अब की बार श्याम बाबा ने कितना अच्छा वो टारगेट दे रखा सनातन के प्रति, ये भी सोच लो जिस दिन घोषणा हुई उस दिन 81 थी, क्या थी उस दिन 81, और जिस दिन नामांकन करेंगे उस दिन गणेश चतुर्थी होगी, और जिस दिन हम सब लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे उस टाइम कनागत लगे होंगे, एक श्याम प्रेमी और एक पंडित किसी के घर पे जाएगा तो कुछ ना कुछ देना होगा सबको वोट के लिए साथ साथ। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन नोरते होंगे, शीतला माता का आशीर्वाद मिलेगा और फिर साथ के साथ चंडीगढ़ चलेंगे सारे के सारे। इस योजनाओं के साथ मुझे पक्का पता था कि बाबा एक दिन मेरी सुनेगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि सनातन से मुझसे इतना प्यार करता है कि 24 में इस हिसाब से सुनेगा कि 81 को डिक्लेयर करा रहा हूं। और आप सब लोग जब पर्चा भरोगे, जब गणेश चतुर्थी होगी और कनागत वाले दिन आप मांगने के लिए जाओगे और लास्ट में
हमारे बाबा श्याम की भी जो गुरु है वो उनकी माँ है स्वयं मोरवी, और जिस दिन माँ का प्रोग्राम होगा नवरात्रे लगेंगे उस दिन हमारा जीत का शंखनाद होगा, ये वादा करता हूं मैं आप सब लोगों से। इसीलिए आप सब लोग विश्वास के साथ ये मन में सोचें, कोई तुमसे कुछ भी कहे किसी की मत सुनना, टिकट में आज भी आप एक नंबर पे हो, और बाबा ने चाहा और शीतला माता का आशीर्वाद रहा तो भारतीय जनता पार्टी टिकट अब की बार आपको ही देगी, आपको ही देगी। सिर्फ यही वजह है, बहुत से लोग हमसे पूछते भाई साहब करना क्या है, अरे करना क्या है, पार्टी हमें टिकट देगी, 25 साल मेहनत की है, 25 साल के बाद तो रिटायरमेंट आ जाता है, और बाबा ने चाहा और शीतला माता का आशीर्वाद रहा तो भारतीय जनता पार्टी टिकट अब की बार आपको ही देगी, आपको ही देगी। सिर्फ यही वजह है, बहुत से लोग हमसे पूछते भाई साहब करना क्या है, अरे करना क्या है, पार्टी हमें टिकट देगी, 25 साल मेहनत की है, 25 साल के बाद तो रिटायरमेंट आ जाता है, अब समय रिटायरमेंट का है, तो भारतीय जनता पार्टी आज पगड़ी इसलिए ना बंधवाई, खवे पे रखी है, पगड़ी उस दिन बंधवाऊंगा जिस दिन टिकट लेके आऊंगा, चुनाव की घोषणा करूंगा आप सब लोगों के बीच में। अब सब लोग परिवार की तरह अपने मन में ये भाव रखें कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पे बरकरार रहें, और ये मन में संकल्प लें कि वास्तव में अब की बार विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी आपके बेटे आपको भाई को 100% टिकट अब की बार देगी। और जैसा कि सब लोग मानते हैं कि आपके कारण जब हम गुड़गांव जीतेंगे तो बादशाहपुर भी जीतेंगे, और जब बादशाहपुर भी जीतेंगे तो पटौदी भी जीतेंगे, और पटौदी भी जीतेंगे तो सोना भी जीतेंगे 100%। इसीलिए पार्टी ने खुद स्वयं इस बात पे भी से कहा कि अब की बार हमें विश्वास है कि संगठन बार बार कभी किसी से धोखा नहीं करता, अब की बार 100% आपकी टिकट होगी होगी होगी, इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि आपका बेटा हर पल एक ही विषय सोचता है कि आप सब लोगों के लिए मेहनत करें, और उस मेहनत का रिजल्ट यही है कि आप अपने आशीर्वाद को ऐसे ही एक समय निश्चित कर लो कि रोज हमें शाम को, चाहे वो भीमगढ़ खेड़ी की बात हो, चाहे वो अशोक विहार 1 की हो, चाहे 2 की हो, माताओं बहनों से भी विनती है रोज शाम को परिक्रमा लगानी है 31 तारीख तक। आज कितनी तारीख हो गई, 30 तारीख तक, ये जो 30 तारीख आ रही है, 30 आने वाली 30 तारीख तक, जो सितंबर की 30 है, सितंबर की 30 तारीख को आपसे विनती है कि आप 30 तारीख को सितंबर को आप सब लोग परिक्रमा लगाएं और हक से कहें। और ये भी खुशी की बात है, 30 तारीख को हमारी धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है, और 30 तारीख को मना के उनका जन्मदिन, 1 तारीख को वोट गिरने के लिए चले जाएंगे। हमें जन्मदिन काफी याद नहीं रहते, लेकिन डर के मारी एक जन्मदिन याद है कि वो याद रखना, इसीलिए 30 सितंबर का उनका जन्मदिन है, और वादे के साथ कह रहे हैं धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे और 1 तारीख को वोट गिरने के लिए जाएंगे आप सब लोगों के साथ। और जीत निश्चित है अब की बार, ये सोच के चलना कि अब की बार जीत निश्चित है, और गुड़गांव का विकास कराएंगे ये हमारा संकल्प है। अभी तक गुड़गांव लोग कहते थे ना पीछे है, हमारा प्रयास रहेगा आने वाली 5 साल में गुड़गांव को नंबर 1 बनाना है आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से। इसीलिए आप सब लोग परिवार की तरह एक अपने मन में धारणा ले ले कि रोज प्रभात फेरी लगानी है शाम को, जितनी माताएं बहनें इकट्ठी हो अपनी लेके चिमटा हाथ में, अपनी ली सबने एक्सरसाइज करने के लिए प्रभात फेरी लगानी है कि हमारा भाई हमारा बेटा मुकेश पहलवान अब की बार चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप सब लोग मुकेश भाई की मदद करना करोगे ना माताएं बहने, जो 4 घंटे आपने दिया है उस 4 घंटे का मतलब है आधा आधा घंटा चाहे अपनी गली में ही लगानी पड़ो प्रभात फेरी, और बाबा का गुणगान करना पड़ो, और विश्वास के साथ यही प्रभात फेरी अब की बार पहली दफा ऐसा होगा। बाबा श्याम को भी पता है हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अब की बार जो हमारे गुरु जी आए भी पीठाधीश मेरे से पहले बोल के भी गए होंगे, हमारे माननीय हमारे संत श्री ललित मोहन ओझा जी, हमारे गुरु जी हमसे पहले बोले होंगे, उन्होंने एक ही बात कही होगी, वो ब्रिज मेरा मेवाट के महासंघ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा होगा
कि एक बार मेरे बेटे को एक बार आशीर्वाद दो और वो कामयाब हो गया तो ब्रजमंडल और श्याम बाबा का परिवार एक ऐतिहासिक जागरण कराएगा और उसमें पूरे हरियाणा का निमंत्रण देंगे हम सब लोग। ऐसे माहौल से हम सब लोग चलेंगे और बाबा की कृपा रहेगी। आप सब लोग जलपान लेके जाएं और आपसे विश्वास के साथ एक ही बात कहता हूं, कंटिन्यू दिनों रात लगा हुआ हूं, समय इस बात की चाहता हूं आपसे, क्योंकि अब दिल्ली भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो टिकट की बात है वो दिल्ली की दौड़ भी जरूरी है। कभी बाबा श्याम ये ना कह दे कि मैंने तेरे को इशारा दिया था तू दिल्ली जा, एक बार दिल्ली जा, तो मैं बाबा श्याम का आशीर्वाद लेके दिल्ली भी जाता हूं और सबसे नतमस्तक भी होता हूं और सबसे बोलता भी हूं कि 90 की 90 विधानसभा में उसकी जाति मत देखो, पूरी 90 की 90 विधानसभा में एक ही श्याम प्रेमी है, कम से कम श्याम प्रेमी के नाते अब की बार टिकट दे दो, छोड़ो जाति पाति सब चीजें, कम से कम श्याम प्रेमी के नाते दे दो टिकट। श्याम प्रेमी के नाते तो मिलेगी ना मिलेगी, करो हाथ खड़े, मिलेगी ना श्याम प्रेमी के नाते अंकल, मिलेगी ना टिकट, तो श्याम प्रेमी के नाते ही मांगेंगे हम सब लोग कि आज की बात जो मेरा जो रिज्यूम भी होगा उस पर लिखा भी हुआ है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन मेरा धर्म है और मैं प्यार करता हूं अपने श्याम बाबा से। इसलिए आप सब लोग परिवार की तरह, जो लोग सनातन से प्यार करते हैं, जो लोग सनातन से प्यार करते हैं वो अक्सर कह भी सकते हैं, एक बार कट ली पहले जाति आधारित टिकट, एक बार 14 में जाति आधारित टिकट कट ली, एक बार टिकट वैसे कट ली 19 में, अब इतना बड़ा धोखा नहीं होना चाहिए। ये तो छाती हमारी मजबूत है, हल्की छाती का इंसान होता तो अभी तक तो राधे राधे हो जाती, लेकिन हमें विश्वास है कि श्याम बाबा आने वाले समय में अच्छा करेगा हमारे लिए, और इसी विश्वास के साथ आप जय घोष करें, बोल श्याम प्यारे की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल लख दातार की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करें शुरुआत बिना माइक के, शुरू करते बिना साउंड वाउंड के, आज आपकी आवाज की साउंड है हमारा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, ले अब तो बाबा थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़, खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ
हरिजन तुझको अपना मान लिया, तू ही दौलत तू ही सौरत इतना बाबा जान लिया, अपना बना ले इन भक्तों को, अपना बना ले इन भक्तों को, दिल से दिल को जोड़ के मोड़ पे लेने आजा, खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, मुझको है विश्वास तू बाला एक दिन मुझको तारेगा, मुझको है विश्वास तू बाला एक दिन मुझको तारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला, तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी ना हारेगा, जिन पे किया भरोसा मैंने, जिन पे किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो छोड़ पे ले ले आजा, खाटू वाले रिंगस के मोड़ पे लेने आजा, खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, ओ मैं के जानू श्याम घड़ी तन सब माता का बेरा से, मैं के जानू श्याम घड़ी तन सब माता का बेरा से, पिछले साल घने तारे मेरा से, ओए पिछले साल घने तारे परीब के नंबर मेरा, तेरे काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैं तो तेरे दर के हार लिया, अब पिंड तेरा ना छोड़ू मैं मन में पक्का धार लिया, अब मन में पक्का धार लिया, लेन देन का जिक्र करे ना हो, लेन देन का जिक्र करे ना मन बाता में बहलावे से, पिछले साल घने तारे परीब के नंबर मेरा से, बोल शाम क्या रे की है, बोल शीश के दानी की है, प्रसाद बिल्कुल आराम से ले सर। सर चुनाव ऐलान होने के बाद तारीखों का अब क्या नज़र आ रहा है हरियाणा पे? अभी तो कल हरियाणा प्रदेश की आपने देखा होगा चुनाव समिति की बैठक थी, दो दिन माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सभी प्रभारी, हमारे सतीश पूनिया जी धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी जी, उनके बाद हमारे विक्लव देव जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत जी, सुधा यादव जी, उसके बाद में ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यू जी, ऐसे करके हमारे तीनों महामंत्री, ऐसे करके हमारा संगठन महामंत्री श्री फणेंद्र नाथ शर्मा जी, ऐसे करके सब लोग जो भी उस पार्लियामेंट्री चुनाव प्रदेश की जो टीम होती है उस बोर्ड के सभी सदस्य थे। तो इसी दौरान कल जो फैसला हुआ होगा ये सभी एक एक नाम दो दो नाम भेजते हैं केंद्र में, तो उसका सर्वे रिपोर्टिंग देखते हैं, वो सर्वे रिपोर्टिंग हमारी हमें लगता है कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जितनी मेहनत करी है अभी तक पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि हम दिनों रात लगे हुए हैं, पिछले 10 साल से हमने एक एक गली में अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं और बूथ स्तर के कार्यक्रम भी हमने बहुत किए हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ केंद्र प्रमुख, ऐसे ऐसे करके पन्ना प्रमुख तक हम पहुँच रहे हैं, तो हमें लगता है कि पार्टी के लिए जब 25 साल की जो सेवा है हमारी वो दिन रात मेहनत की सेवा है। हमने वो चुनाव भी देखे माननीय अटल जी के, जब सुधा जी पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही थी तो गुड़गांव गौशाला ग्राउंड में वो आए और वो सभा भी मैंने खूब सुनी है। मैं उस टाइम युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता होता था और मेरे पिताजी जो ग्रामीण क्षेत्र के थे उसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते थे। कैसे दिख रहे हैं आज आपने 4 घंटे की यात्रा पदयात्रा निकाली फेज 1 अशोक विहार और फेज 2 और भीमखेड़ी में जी, तमाम लोग आपके साथ मौजूद रहे और अभी भी तकरीबन 8:30 बज रहा है आपके बीच में सभी लोग मौजूद हैं, तो श्याम प्रेम आपके साथ में है और मुकेश पहलवान का 25 साल का जो संघर्ष है
दोनों चीज़ों का कैसे मिल जोड़ के हैं, कैसे आपके बीच में लोगों के बैठ रहा है, जिससे कि आगामी चुनाव में मुकेश पहलवान को टिकट की मजबूती की दावेदारी और जीत दोनों सुनिश्चित हैं क्या? अभी आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम मुश्किल से एक घंटा दो घंटा, अब यहाँ पर 7 घंटे हमारे हो चुके हैं। इस 7 घंटे के दौरान हमारी पूरी परिवार की टीम है, ये मेरा परिवार है। इस परिवार में सबको ये लगता है कि हम बेस्ट दें, और आदर्श आपने देखे होंगे, संस्कार देखे होंगे आपने, पहले मेरी पूरी टीम ने नतमस्तक होकर मत्था टेका है सबके श्री चरणों में, और सबने ये लगा कि वास्तव में हम सब लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह एक संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं। उस संगठन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जब हम सब लोग इतने प्यार से, इतनी मधुरता से, इतने धैर्य से काम करते हैं, तो हम विश्वास चाहते हैं कि वास्तव में अब की बार हमारा पार्टी हमारे को टिकट देगी और हम सबसे पहले पार्टी को जीत देंगे। सर, श्याम प्रेम और सांची, सनातन से प्रेम करने वाला आदमी, सनातन से प्रेम करते जब ही तो श्याम बाबा से प्रेम करते हैं, और हमने पार्टी भी इसीलिए सनातन ही चुनी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन के बारे में सोचती है, राम मंदिर के बारे में सबसे ज़्यादा। हमें कांग्रेस के लोग पूछते थे एक समय में, राम मंदिर बनेगा, तुम्हारा मुद्दा था ये, राम मंदिर बनेगा, तो हम हक से कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उसी दिन राम मंदिर बनेगा। और पिछली इसी जनवरी को जो गई है उसमें 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा ओपनिंग हुई मंदिर की, तो जो वादा हमने किया वो किया ना पूरा का पूरा। जी, कैसे दिख रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता जो कि यहाँ से उम्मीदवार रहेंगे, अभी उम्मीदवार के अपने टिकट की मांग कर रहे हैं विपक्ष के लोग, परंतु कुछ लोगों ने अभी से कहना चालू कर दिया है कि यदि मुझे टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मेरे सामने आएगा उससे हम परास्त कर देंगे या हरा देंगे उसको। मैं आपको एक विषय बताता हूँ, जो लोग आपको 4 साल से दिखाई नहीं दिए हो, 5 साल से, वो कभी किसी को ध्वस्त कर सकते हैं। जनता ने उनसे प्यार लुटाया, कितना भी लुटाया हो तो इंसान को खड़ा तो रहना चाहिए ना। आज भी जिन लोगों ने हमें 47,000 वोट दी थी, आज भी हम उस विधानसभा को निभाते हैं आँख से, उनके हर कार्यक्रम में खड़े रहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं। और वादा करता हूँ आपसे, जिस दिन मेरी टिकट की घोषणा होगी, बादशाहपुर विधानसभा का 1 लाख आदमी गुड़गांव विधानसभा में वोट मांगेगा। जिन्होंने आज तक आके गुड़गांव के बारे में जिन्होंने आज तक देखा ना हो, उनको ये तो पता नहीं है भीमगढ़ खेड़ी की गली नंबर 4 कौन सा है, अशोक विहार 1-2 में कौन सी गली का नाम क्या है, किस नाम से पड़ा हुआ है, उसको क्या पता सुमेर की दुकान बिजली वाले की कहाँ पे है। मुकेश पहलवान बता सकता है सुमेर की दुकान वहाँ पे है बिजली वाले की। इसीलिए मैं बार बार अक्से कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना ध्वस्त कर देंगे, वो एक क्षेत्र के इतनी सी जगह के लीडर हैं, वो इतनी सी जगह के, लेकिन जो मुकेश पहलवान है ये एक एक घर में अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। जो लोग बार बार एक बात, खेड़ी की गली नंबर 4 कौन सा है, अशोक विहार 1-2 में कौन सी गली का नाम क्या है, किस नाम से पड़ा हुआ है, उसको क्या पता सुमेर की दुकान बिजली वाले की कहाँ पे है। मुकेश पहलवान बता सकता है सुमेर की दुकान वहाँ पे है बिजली वाले की। इसीलिए मैं बार बार अक्से कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना ध्वस्त कर देंगे, वो एक क्षेत्र के इतनी सी जगह के लीडर हैं, वो इतनी सी जगह के, लेकिन जो मुकेश पहलवान है ये एक एक घर में अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। जो लोग बार बार एक बात कहते हैं कि आप सब लोग देख लेना कि हमारे सामने नेता ना टिक पाएगा, हम भी वक्त आने दो, भारतीय जनता पार्टी की टिकट होगी तो कांग्रेस का कोई नेता मुकेश पहलवान के सामने टिक भी ना पाएगा। और बताओ सर, आप पार्टी के सदस्य हैं प्रदेश के जी, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि उधर हुड्डा जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि, और दीपेंद्र हुड्डा कि आपसे हिसाब मांग रहे हैं 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया प्रदेश के अंदर, तो आप हिसाब भी देंगे जनता को? अभी आपके सामने हमने आज ही मेरी फेसबुक पर हमने लगा रखी है, खर्ची और पर्ची जो चलती थी 10 साल तक वो चली ना, सभी 36 की 36 बिरादरी का विकास हुआ। और हम तो आज भी अक्सर कहते हैं कि ना हमें आदत है, ना हमने व्यापार सीखा है, ना करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और 36 बिरादरी का सम्मान करेंगे, और आने वाले समय में सभी को हमारे पर विश्वास है। जो विश्वास है, जभी तो 7 घंटे परिवार के लोग खड़े हैं यहाँ पर। आज के पैनल में जिस प्रकार से 3-4 लोगों का नाम जाना चाहिए, मुकेश पहलवान किस स्थान पर चल रहे हैं? मुकेश पहलवान नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे रहेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैंने टिकट आरतियों को भी ये कह रखी है, मैंने हरियाणा प्रदेश के पार्लियामेंट बोर्ड को भी ये कह रखी है, अगर जो मैं 1 नंबर पे ना हूँ ना,
तो मेरे तरफ देखना भी मत, और मैं एक नंबर पे हूँ तो मेरी सबसे पहले घोषणा कर देना। क्या अपना आप समझ रहे हैं जिस प्रकार से उमेश अग्रवाल विधायक बने भारतीय जनता पार्टी जी मोदी की लहर में उस समय, हाँ। तो क्या देख रहे हैं कि आप अपने आप को उनसे ज्यादा वोट इस बार आपको अगर टिकट मिलती है तो आप जीतेंगे? मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलते ही, मेरी जीत आप लेख लेना आप यहाँ पर, लोगों की जितनी मैं 1.5 लाख वोटों से जीतूंगा भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलते ही। 4,30,000 वोटें हैं, लोगों का क्या हालत होगी ये देखना आप, तो जो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे ये सोचना आप लोग। सर मतलब अभी उनकी टिकट होने दो, अभी तक जिसकी टिकट ना हुई ना उसके बारे में बोलना मेरे लिए गलत होगा। और वो बार बार जो आपने वर्ड यूज किया कि वो पंजाबी जाति के मेरे सारे लोग साथ होंगे, उनके साथ तो एक जाति है ना मेरे साथ, उसके बाद 35 जातियाँ बसती हैं वे भी मेरे साथ, और 36वीं पंजाबी भी मेरे साथ अब की बात। तो मैं 36 बिरादरियों का लीडर हूँ, वो एक बिरादरी के बारे में बार बार बात करते हैं, कोई भी लीडर हो अगर जो जो एक बिरादरी के बारे में बात करता है ना वो कभी भी गुड़गांव का विकास नहीं कर सकता। तो इस बार 4 तारीख को चुनावी अखाड़े में भी पटकनी देंगे आप? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, पटकनी नहीं देंगे, इतिहास बनाएंगे। हम तो इतिहास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमें बार बार जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो इतिहास बनाएंगे। अब की बार इतिहास इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें विश्वास है, और इतिहास वही लोग बनाते हैं जो साधारण परिवार से होते हैं। एक दूध बेचने वाले का बेटा जिस दिन विधायक बनेगा ना उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में ही मिल्क में ताकत कितनी होती है। बनेगी, आप भी यही हम भी यही हैं, सरकार बनेगी तीसरी बार बीजेपी की सरकार। दावा नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आप दावे को लेकर चल रहे हो। मैं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज गुड़गांव की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, शिक्षा को लेके भी आज गुड़गांव पिछड़ता जा रहा है जिस प्रकार से जहां होना चाहिए। तो क्या लग रहा है मुकेश पहलवान बन के आते हैं जो लोगों से अभी मन से घोषणाएं कर रहे हैं अपने वादों पर खड़े उतरेंगे, और नेताओं की तरह तो नहीं कि वादे तो किए परंतु काम नहीं करेंगे, घर सोएंगे, बीमारी का बहाना बनाएंगे? अभी मैं पिछले 10 साल से इस विधानसभा में लगा हुआ हूँ, मैं अपने निजी कोष से भी बहुत खर्चा कर चुका हूँ, अगर जो मेरी काम करने की इच्छा होगी जब भी खर्च कर रहा हूँ ना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आदमी के पास जब किसी ओहदे पे चला जाता है तो उसका काम करने का और धैर्य बढ़ जाता है, और काम करने का मन में संकल्प हो जाता है कि यार मैं अपने परिवार के लिए और ज़्यादा काम करूँ। तो मेरे मन में एक इच्छा है, मैं अभी एक नया वो चला रहा हूँ डोर टू डोर पे, जिस गली का जो भी कार्य है उसके बारे में मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, उनका एक अपने पत्रिका दूंगा, उस पत्रक को मैं सबको मीडिया में लॉन्च भी करूंगा अभी जल्दी से जल्दी, उस पत्रक को मैं दिखाऊंगा और जल्दी मैं उसको लॉन्च करने वाला हूं, उसमें मैं पूरी गलिया की समस्या लिखवाऊंगा कि सुरेश के घर से लेके और महेश के घर तक इस गली नंबर 3 में क्या समस्या है, वो सारी की सारी लिखित मेरे पास होगी। उसके बाद में मैं उसी गली में उसी चीज़ में सबसे पहला एक्शन लूँगा जो कार्य में लिखवाऊँगा। अब जो हमारे रोज़ डोर टू डोर कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 से 7 हज़ार लोग, 6 से 7 बोल रहा हूँ, रोज़ हमारा परिवार डोर टू डोर करता है। तो आप ये सोच के चलो उस डोर टू डोर का ही रिजल्ट है आज ये कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। और श्याम प्रेमी आज अब की बार श्याम प्रेमी ने मन में ठान लिया है कि मुकेश भाई को अब की बार जिताना है।